गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लास नाइन्थ। तो अब हम डेल्टा एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे जो डेल्टन ने दी थी एटम्स के बारे में। सबसे पहले एक थ्योरी दी थी कि एटम्स कैसे होते हैं। अकॉर्डिंग टू डेल्टा एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर वेदर एलिमेंट, कुछ भी मैटर चाहे वो एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, जो एटम का बना है वो सब क्या है, एटम का बना है। और पोस्टुलेट क्या है जो उसने बोले हुए हैं इसके बारे में, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। हर एक मैटर जो है टीनी पार्टिकल्स का बना है जिन्हें एटम बोलते हैं। एटम जो है इंडिविजिबल पार्टिकल है, हम इनको तोड़ नहीं सकते, ना इनको बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक एलिमेंट है जो उसके एटम्स होंगे वो सारे सेम होंगे किसी भी तरीके से मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। जो एटम जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के होंगे, मतलब एक सोडियम का क्लोरीन का ले लो तो उनके एटम दोनों के अलग अलग होंगे मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी, और अगर सोडियम का ले लो तो उसके सारे एटम जो होंगे सेम होंगे मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। एटम जो कंबाइन करेंगे इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम जितने भी हैं वो स्मॉल रेशियो में कंबाइन करेंगे और कंपाउंड बनाएंगे। तो जितने भी रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम और कॉन्स्टेंट गिवन कंपाउंड, एक कंपाउंड में कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ एटम होंगे। तो ये हमारी होगी डेल्टा एटॉमिक थ्योरी।